आज बाबरी मस्जिद इन्हदाम की बरसी है। आज ही के दिन 1992 में बाबरी मस्जिद को कार सेवकों ने शहीद कर दिया था। उत्तर प्रदेश समेत मुल्क के हसास इलाकों में आज अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के DGP ने तमाम अजला के पुलिस अफसरान को हिदायत दी है कि वो किसी भी प्रोग्राम के इनेकाद की मंजूरी न दें। उन्हें इजाफी चौकस रहने का हुक्म दिया गया है। इसके साथ ही अहदेदारों को सिक्योरिटी के वसी इंतजाम करने को कहा गया है। दूसरी जानिब ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि 6 दिसंबर को रिवायत से हटकर कोई तकरीब मुनक्किद नहीं की जाएगी। मथुरा मामले में बड़े लीडरों ने फिलहाल खामोशी इख्तियार कर रखी है। 2 दिन पहले तक डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य लगातार ट्वीट कर रहे थे, लेकिन अब उनका ट्वीट आना भी बंद हो गया है। यहां हिंदू महासभा ने मंसूबा बदल दिया है। महासभा की जानिब से अब दिल्ली में अलामती जल अभिषेक किया जाएगा। वहीं लखनऊ में मुस्लिम लीग की जानिब से आज का दिन यौमे गम और यौमे दुआ के तौर पर मनाया जा रहा है। लीग के रियासती सदर डॉक्टर मोहम्मद मतीन ने कहा कि बाबरी मस्जिद की तामीर और बाजियाबी का मुतालबा जारी रहेगा। 29वीं बाबरी मस्जिद की बरसी पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पूरे सूबे के अंदर यौमे अफसोस यौमे आजम के रूप में मना रही है और इस बात का एहसास हुकूमत को करा रही है कि आज तक के जो भी हुकूमत ने खास करके भारत सरकार ने जो फैसले किए थे कि बाबरी मस्जिद के वर्डिक के बाद कि नगर पालिका में 5 एकड़ जमीन जो है वो बाबरी मस्जिद को अलाट की जाएगी। अगर वहां जमीन ना हो तो जो एक्वायर की भी जमीन है वो बाबरी मस्जिद को दी जाएगी जिसमें बाबरी मस्जिद की तामीर ना हो वहां पर हो सके। मगर अभी तक के हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के उस आर्डर की अवहेलना की है और यही हाल बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त में था कि हुकूमतों ने बाकायदा इस बात को यकीन दहानी कराई थी कि बाबरी मस्जिद को आज नहीं आएगी, मगर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, पूरे अमन अमान को तबाह बर्बाद कर दिया गया। हम अफसोस और गम और मातम मना रहे हैं बाबरी मस्जिद की शहादत पर। मालेगांव शहर में 5 दिसंबर की रात को ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की जानिब से बाबरी मस्जिद एक दिन इंसाफ मिलेगा इस उनवान के तहत एक इजलास से आम का इनेकाद किया गया था जिसमें शहर के कुछ सियासी और समाजी रहनुमा बतौर मुकर्रर मदु किए गए थे। इस इजलास का मकसद बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से लोगों को दिलों में जज्बात पैदा करना और अपने हक की बात जमहूरी मुल्क में आजादाना तरीके से कहना था। लोग अपनी राय को ना रखें, गोया कि एक आज़ाद मुल्क में लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, उस खामोशी को तोड़ने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए कि भाई आप गुलाम नहीं हैं, आप आज़ाद हैं, इस मुल्क में आपको अपनी राय रखने का पूरा हक है, आप अपनी राय एक लीगल तौर पर संवैधानिक तौर पर आप रख सकते हैं, इस मुल्क ने आपको इसकी पूरी गुंजाइश दी है, ये बताने के लिए हम लोगों ने ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल के ज़रिए से ये प्रोग्राम रखा है और उसमें हमारा अपना भी एक सदमा है, एक हमारा भी गम है कि बाबरी मस्जिद एक मुसलमान होने की हैसियत से और एक सेकुलर होने की हैसियत से उसके ऊपर जो जुल्म हुआ है हम उस जुल्म और नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उसका इजहार करने के लिए आज का ये प्रोग्राम रखा गया। मालेगांव शहर समेत मुल्क भर के इंसाफ पसंद आवाम की